एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लॉ सिंप्लीफाइड। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बचे हुए सेक्शंस, क्योंकि सेक्शंस 1-6 हम कवर कर चुके हैं पहले दो पार्ट्स में, प्रीवियस दो वीडियोस में। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किए थे सेक्शंस 1-3 और सेकंड में हमने कवर किए थे सेक्शंस 4-6। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिस पे पूरा एक्ट ये टिका हुआ है वो है सेक्शन 3 और 4। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 और 2 जाके देख सकते हैं, और अगर उसमें कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 सेक्शन 7 से। सेक्शन 7 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट बोलता है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। मतलब प्रोबेशन ऑफिसर जो कोर्ट को रिपोर्ट देगा, जो कि रिपोर्ट सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में और सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में रिक्वायर्ड होती है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको ओपन कोर्ट में नहीं बताया जाएगा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, मतलब कि ये रिपोर्ट किसी को भी ओपन नहीं की जाएगी एक्सेप्ट द ऑफेंडर हिमसेल्फ। इसका सेक्शन 7 का प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ़ इट सो थिंग्स फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द ऑफेंडर। वही ये रिपोर्ट के जो सब्सटेंस है वो ऑफेंडर को कम्युनिकेट किए जा सकते हैं, उसके अलावा ये ओपन कोर्ट में या किसी और पर्सन को ओपन नहीं की जाएगी। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 कहता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। अब हमने पढ़ा था कि सेक्शन 4 में कोर्ट जो है ना प्रोबेशन पे जब ऑफेंडर को छोड़ता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एक बॉन्ड भरवा सकता है जिसमें कि कंडीशंस दी होती हैं। तो वो कंडीशन वेरी करने की भी कोर्ट के पास पावर है। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज कोर्ट जो है वो कंडीशंस वेरी कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड अब इसके सबसेक्शंस में क्या क्या प्रोवाइडेड है। If on the application of the probation officer, any court which passes an order under section 4 in respect of an offender, is of the opinion that in the interest of the offender, किसमें चेंज कर सकता है, वो हित में होना चाहिए ऑफेंडर के। कोई भी ऐसी कंडीशन जो ऑफेंडर के अगेंस्ट है वो कोर्ट ऐड नहीं कर सकता है, वही कंडीशन चेंज कर सकता है जिसमें कोर्ट को लगता है कि इससे ऑफेंडर का भला होगा एंड द पब्लिक, या फिर पब्लिक का भला होगा। इट इज़ एक्सपीडियंट और नेसेसरी टू वेरी द कंडीशंस ऑफ एनी बॉन्ड एंटर्ड इनटू बाय द ऑफेंडर। ठीक है, इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव। जब तक वो बॉन्ड एनफोर्समेंट में है, जब तक उस बॉन्ड की अवधि है, तब तक कोर्ट कंडीशंस वेरी कर सकता है। वेरी बॉन्ड बाय एक्सटेंडिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन देयर ऑफ। और कोर्ट क्या कर सकता है, जितनी अवधि का वो बॉन्ड था उसकी अवधि बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। लेकिन पहले भी हमने ये कंडीशन पढ़ी थी और ये कंडीशन सेक्शन 8 में भी है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है प्रोबेशन पे ऑफेंडर को छोड़ने की, इट शैल नॉट एक्सीड 3 ईयर्स। अब मैं आपको ये बार बार रिपीट करती हूँ एक चीज़ कि जिस भी प्रोविजन में अवधि दी होती है, टाइम पीरियड दिया होता है, वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के परस्पेक्टिव से, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो इसीलिए बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करती हूँ ताकि आप जब भी बेयर एक्ट पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट का, उसके उस सेक्शन पे ज़रूर ध्यान दें जिसमें कोई टाइम पीरियड मेंशनड हो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 8 में क्या कहता है, कोर्ट जब भी वेरी करेगा ड्यूरेशन तो 3 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं कर सकता है प्रोवाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। अब इसका प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द ऑफेंडर एंड द श्योरिटी इन द बॉन्ड एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब देखो ये जो रूल है ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसका कि मैक्सिम है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दैट इज एवरीवन शुड बी हर्ड, ये एक नेचुरल जस्टिस का रूल है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि हमेशा कोई भी वर्डिक्ट आता है तो आप पार्टी को बिना सुने कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते या कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इसी तरह इस सेक्शन में भी ये इनकॉर्पोरेटेड है कि जब भी कोर्ट कोई वेरिएशन करेगा, चाहे वो ऑफेंडर के हित में ही क्यों नहीं है, फिर भी कोर्ट क्या है अपॉर्चुनिटी देगा ऑफेंडर को सुनने की कि वो कंडीशन क्या चेंज है और पहले क्या थी। कोर्ट मौका देगा ऑफेंडर को समझने का, और ना सिर्फ ऑफेंडर को, उसकी श्योरिटी को भी। अगर बॉन्ड में कोई श्योरिटी है, श्योरिटी मैंडेटरी नहीं है। हमेशा हमने अभी तक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जहाँ पढ़ा, जो भी सेक्शन पढ़ा, उसमें हमने देखा मे विद और विदाउट श्योरिटीज। तो अगर प्रिलिम्स में ये क्वेश्चन बनता है कि क्या श्योरिटी मैंडेटरी है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंडर, तो नहीं है ना, मे है, तो कोर्ट दोनों को मौका देगा। अब सबसेक्शन 2 कहता है इस सेक्शन का इफ़ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज्ड टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट मे रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू अ फ्रेश बॉन्ड। इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस और फेल्स टू डू सो द कोर्ट मे सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस व्हिच ही वाज फाउंड गिल्टी। अब कोर्ट क्या कहता है, अब ये सॉरी बेयर एक्ट क्या बताता है हमें
कि जब भी श्योरिटी मना कर देता है कि भाई मैं ये वेरिड कंडीशंस के साथ साइन नहीं करूंगा बॉन्ड पे, मैं इससे अग्री नहीं करता, तो कोर्ट ऑफेंडर को एक मौका देता है कि ऑफेंडर किसी फ्रेश श्योरिटी के साथ या विद और विदाउट श्योरिटी, है ना, एक फ्रेश बॉन्ड बनाए, नया बॉन्ड बनाए। और अगर ऑफेंडर मना कर देता है या वो कर नहीं पाता नया बॉन्ड, तो क्या है, कोर्ट जो है उसको ओरिजिनल जो ऑफेंस हुई थी उससे उसके लिए सज़ा दे सकता है। और ये क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, में तो ये टोटली कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा। अब सेक्शन 8 का थर्ड सब क्लॉज क्या कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन्ड, द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंडर मे, इफ इट इज सैटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रोबेशन ऑफिसर दैट द कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर हैज बीन सच सो एज टू मेक इट अननेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, डिस्चार्ज द बॉन्ड और एंटर्ड इनटू बाय हिम। अब ये सेक्शन क्या कहता है, सब सेक्शन 4 में आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि कोर्ट क्या है ना, जब प्रोबेशन पे छोड़ता है ऑफेंडर को तो कोर्ट उसके साथ साथ सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकता है। और इस सेक्शन में ये बोला गया है कि अगर जो सुपरविजन ऑर्डर में जिस भी प्रोबेशन ऑफिसर का नाम असाइंड है या जो भी रिस्पेक्टिव प्रोबेशन ऑफिसर असाइंड है उस सुपरविजन ऑर्डर के साथ, अगर वो ये कहते हैं कि न्यायालय को कि ऑफेंडर को अब ज़रूरत नहीं है ऑब्जर्वेशन के अंडर रखने की, तो कोर्ट उसको मतलब डिस्चार्ज कर सकता है, कोर्ट जो सुपरविजन ऑर्डर दिया था उसको खारिज कर सकता है। अब सेक्शन 9 हमारा कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। अच्छा, अब कोर्ट ने बॉन्ड पास कर दिया, अगर अपराधी उसकी कंडीशंस ना फुलफिल करे तो क्या उसकी आगे प्रोसीजर होगा, ये सेक्शन 9 बताता है। इफ द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर और एनी कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओरिजिनल ऑफेंस हैज रीजन टू बिलीव ऑन द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। अब इसमें क्या है, सेक्शन में जब भी कोई ऑफेंस की गई है उसमें क्या है, अगर कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है या और उसके लिए प्रूफ क्या चाहिए, या तो रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर या फिर अदरवाइज कोर्ट को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑफेंडर हैज़ फेल टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, इट मे इशू ए वारंट ऑफ हिज अरेस्ट। कोर्ट क्या कर सकता है, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है इफ़ इट थिंक्स फिट, तो समन इशू कर सकता है एंड हिज श्योरिटी, ना केवल ऑफेंडर को बट श्योरिटी को भी, इफ एनी रिक्वायरिंग हिम और देम टू अटेंड बिफोर इट एनी टाइम, जो भी कोर्ट स्पेसिफाई करेगा समन्स में। ठीक है, तो सिंपली ये प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सेक्शन 4 के अंडर कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा था अपराधी को, उस बॉन्ड में अगर कोर्ट ने कुछ कंडीशंस मेंशन करी हैं, वो कंडीशंस या तो कोर्ट को ऐसी प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि अपराधी जो है वो कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कोर्ट को किसी और माध्यम से पता लगा कि अपराधी जो है वो कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट उस केस में अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है अपराधी को या फिर समन्स इशू कर सकता है, किसको, अपराधी और उसकी श्योरिटी को। तो अब प्री में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, मे इशू अरेस्ट वारंट टू अरेस्ट श्योरिटी एंड द ऑफेंडर, है ना, समन्स टू लाइक बी अटेंड द कोर्ट टू ओनली द ऑफेंडर, समन्स टू अटेंड द कोर्ट टू ओनली द श्योरिटी, या फिर बोथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना, आपको ऐसी चीज़ हमेशा जो भी डिफरेंट फैक्ट आए सेक्शन में उसको ध्यान में रखना है। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 कहता है द कोर्ट बिफोर विच एन ऑर्डर इज सो ब्रॉट और अपीयर्स मे ईदर रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल द केस इज कंक्लूडेड और इट मे ग्रांट हिम बेल विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन द डेट ऑन विच इट मे फिक्स फॉर हियरिंग। अच्छा, जब समन्स कोर्ट इशू करता है और ऑफेंडर उनके सामने लाया जाता है न्यायालय के सामने, तो क्या होता है, कोर्ट उसको या तो रिमांड ऑर्डर करके कस्टडी में भेज सकता है या फिर कोर्ट बेल देके ऑफेंडर को छोड़ सकता है। सब सेक्शन 3 हमारा सेक्शन 9 का कहता है इफ़ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सैटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज़ फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एंटर इनटू बाय हिम इट मे फोर्थविथ। अब जहाँ कोर्ट को यकीन हो जाता है कि अपराधी ने जो है ना वो कंडीशंस फॉलो नहीं करी हैं, तो कोर्ट उस केस में क्या कर सकता है, कोर्ट उस केस में या तो जो ओरिजिनल ऑफेंस किया है वो उसकी सज़ा उसको दे सकता है या फिर वेयर द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे पहली बार फेल हुआ है वो कंडीशंस फुलफिल करने से, तो कोर्ट विदाउट एनी प्रेजुडिस कंटिन्यूएशन इन फोर्स इम्पोज अपॉन हिम द पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़।
अब उसको पेनल्टी दी जा सकती है 50 रुपीज़ की। अब आप लोग सोचेंगे कि 50 रुपीज़ क्या होते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है कई कई स्टैट्यूट्स में, क्योंकि ये जो स्टैट्यूट जब इनैक्ट हुए थे 1950 में, उस समय 50 रुपीज़ की काफ़ी वैल्यू होती थी। तो टाइम के साथ इनमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, बट जब तक अमेंडमेंट होगी तब हम उनको उस तरीके से देखेंगे। जब तक अमेंडमेंट नहीं है तब तक हमें इसी चीज़ के साथ, है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इनैक्टमेंट से ज़्यादा कोर्ट फाइन दे नहीं सकता है। तो या तो 50 रुपये का फ़ाइन लगा सकता है कोर्ट अगर पहली बार फेल हुआ है वो, या फिर उसको ओरिजिनल सेंटेंस के लिए ओरिजिनल सेंटेंस दे सकता है कोर्ट। सबसेक्शन 4 बोलता है, इफ़ ए पेनल्टी इम्पोज अंडर सेक्शन बी ऑफ सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में फिक्स, द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर टू द ओरिजिनल सेंटेंस। अब इस सेक्शन में, इस सबसेक्शन में जो ये पेनल्टी दी हुई है, अगर ये अपराधी नहीं जमा कर पाता है विद इन द टाइम पीरियड जो कि कोर्ट निर्धारित करता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट फिर उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सजा दे सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 10 कहता है प्रोविजन एज टू श्योरिटीज। अब श्योरिटीज़ पे क्या प्रोविजंस लागू होते हैं, द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस 122, 126, 126A, ये सब कोड। अब ये कौन सा कोड है, 1898। तो अगर आप चाहें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस CRPC 1973 से देख सकते हैं। ऑल दो ये प्रिलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इसका ओवरव्यू ले लें, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार कोई नया क्वेश्चन आ जाता है और हमारा मार्क्स कट हो जाता है। तो ये आप लोग अगर आप चाहें तो CRPC 73 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक एन ऑर्डर अंडर द एक्ट अपील एंड रिविजन एंड पावर्स ऑफ द कोर्ट इन अपील एंड रिविजन। अब कौन से कोर्ट कॉम्पिटेंट होंगे अंडर द एक्ट फॉर अपील एंड रिविजन और उनकी क्या क्या पावर्स होंगी। सेक्शन 11 क्लॉज 1, सॉरी सब सेक्शन 1, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड और एनी अदर लॉ, एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट मे बी मेड बाई एनी कोर्ट empowered to try and sentence the offender to imprisonment and also by the High Court or any other court when the case comes before it on appeal or revision. जब भी इस कोर्ट में जो भी या फिर किसी अदर कोर्ट में, है ना, ऑर्डर इस एक्ट के अंडर पास किया जाएगा, मे बी मेड बाई एनी कोर्ट empowered, किसी भी empowered कोर्ट जो कि इस एक्ट के अंडर ऑर्डर पास कर सकता है, एंड ट्राई द ऑफेंडर टू इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो बाई दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास भी पावर है ना, एनी अदर कोर्ट जिसके सामने भी ये केस आएगा, सिंपली ये सेक्शन ये कहता है, इन कोर्ट्स को पावर है। सेक्शन सबसेक्शन 2, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोर्ट वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इज मेड बाय द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंडर अदर देन द हाई कोर्ट, एन अपील शैल लाई टू द कोर्ट टू विच द अपील ऑर्डिनरीली लाइज। अब ये क्या कहता है सेक्शन, जब सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट मिलता है किसी भी ऑफेंडर को, जो भी कोर्ट देता है, नॉट बीइंग द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हाई कोर्ट के अलावा जो भी कोर्ट बेनिफिट दे रहा है उसकी अपील नॉर्मली जिस भी कोर्ट में लाई करती है उसी कोर्ट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की अपील भी लाई करेगी। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस एंड द कोर्ट बाय विच ही इज फाउंड गिल्टी डिक्लाइंस टू डील हिम विद अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अभी 21 ईयर्स का क्लॉज आप रिकॉल कीजिए, आपने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 6 में, है ना। अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं तो एक बार उसी समय जाके दोबारा वो सेक्शन पढ़िएगा, उससे क्या होता है बार बार रिवीजन करने से आपकी रिटेंशन अच्छी होगी और आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। और उसमें ये लिखा भी था कि जहाँ पे कोर्ट सेक्शन 6 में बेनिफिट नहीं देता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का, वहाँ पे कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने मैंडेटरी हैं। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जहाँ पे भी कोर्ट सेक्शन 3-4 का बेनिफिट नहीं देता है और पास करता है कोई भी सेंटेंस ऑफेंडर के अगेंस्ट विद और विदाउट फाइन फ्रॉम विच नो अपील लाइज, जिससे कि अपील लाई नहीं करती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोर्ट और एनी अदर लॉ, द कोर्ट टू विच द अपील ऑर्डिनरीली लाइज फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट मे ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कन्विक्टेड पर्सन और द प्रोबेशन ऑफिसर कॉल फॉर एंड एग्जामिन रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर देयर ऑन। अब जब कोर्ट सेक्शन 3-4 के अंडर बेनिफिट नहीं देता है ऐसे ऑफेंडर को जो कि अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज है, तो उस केस में ऐसे अपराध में जहाँ की ऑर्डिनरीली अपील लाई नहीं करती है, है ना, तो अब आप ये याद कीजिएगा या आप तुरंत जाके रेफर कीजिएगा CRPC को कि अपील्स का प्रोविजन कहाँ दिया है, कौन से सेक्शन में और कौन से कोर्ट की अपील किस कोर्ट में लाई करती है, ये आप इसी के साथ पढ़िएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी।
और ये मैं आप पे इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि जब भी आप एक ऐड को दूसरा ऐड के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आपको हमेशा चीज़ें अच्छी रिटेन होती हैं। तो इसमें ये कहता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमारा जो है, अगर उसका बेनिफिट नहीं मिलता और उस ऑफेंस की अपील भी लाई नहीं करती है, तब भी उस केस में क्या है, कोर्ट सुओ मोटो उस चीज़ की कॉग्निजेंस ले सकता है या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्विक्टेड और प्रोबेशन ऑफिसर उस केस को देख सकता है, उसकी अपील सुन सकता है। वो कोर्ट जिस कोर्ट में ऑर्डिनेरली जिस कोर्ट का डिसीजन है लाई करती है अपील। सब सेक्शन फोर कहता है, व्हेन एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 3-4 इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंडर, द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिविजन मे सेट असाइड सच ऑर्डर एंड इन लियू देयर ऑफ पास सेंटेंस। अब पावर इस सेक्शन में सिर्फ ये नहीं दी गई है कि कोर्ट जो है उस ऑर्डर को ही, वो ऑफेंडर जो है उस ऑर्डर को ही अपील कर सकता है या फिर कोर्ट क्या है उसको सुन सकती है, कोर्ट यहाँ पे अपनी रिविजन ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करते हुए उस ऑर्डर को खारिज भी कर सकती है। कौन सी कोर्ट? हाई कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट जिसमें ऑर्डिनेरली अपील लाई करती है, ऐसे कोर्ट की जो कि सेक्शन 3 और 4 के अंडर डिसीजन देता है या ऑर्डर पास करता है। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट और द हाई कोर्ट इन रिविजन शैल नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट दैट माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट विच द ऑफेंडर वॉज फाउंड गिल्टी। अब क्या है ना, हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट खारिज तो कर सकते हैं उस ऑर्डर को, लेकिन क्या है, जो पनिशमेंट है ना मेंशन थी और जो पनिशमेंट कोर्ट दे सकता था जिसमें वो ऑफेंस ट्राई हो रहा था, है ना, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता है। और ये क्लॉज आपको एक देखने को मिलेगा रिविजन की जो पावर हाई कोर्ट की है सीआरपीसी के अंडर भी, तो ये भी आप सर्च कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये भी प्री में कई बार पूछा जाता है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। ये सेक्शन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें क्या कहता है, एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ ए पर्सन फाउंड गिल्टी अंडर द ऑफेंस एंड डेल्ट विद अंडर सेक्शन 3 और 4 शैल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू द कन्विक्शन, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए पर्सन हु आफ्टर हिज रिलीज अंडर सेक्शन 4 इज सब्सिक्वेंटली सेंटेंस फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। ठीक है, इस केस इस सेक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी किसी अपराधी को बेनिफिट मिलता है सेक्शन 3 और 4 का, तो उस केस में उसके सारे पास्ट रिकॉर्ड इस एक्ट से रिलेटेड डिलीट हो जाते हैं। जिस केस में भी अपराधी को सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट मिलेगा, उस केस में वो उसका जो रिकॉर्ड है क्रिमिनल वो डिलीट हो जाएगा, वो मान्य नहीं रहेगा। जैसे अब किसी को सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है तो फॉर्म में पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, क्या आपका अगेंस्ट कभी कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ था। अगर आपको 3 और 4 का बेनिफिट मिला हुआ है तो वो क्रिमिनल केस आपका माना नहीं जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा आपके रिकॉर्ड से, उस केस में आपके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको सेक्शन 4 का बेनिफिट मिला है और आपने बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है या फिर किसी और कारण की वजह से आपको ओरिजिनल सेंटेंस दे दी गई है, तो आपको इसका बेनिफिट सेक्शन 12 का नहीं मिलेगा। ये प्रोविजो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सेक्शन 13 पे। ये हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ा था प्रोबेशन ऑफिसर की, प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है। तो इस चीज़ में हमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, इसमें प्री में से जो क्वेश्चन बोलते हैं, एक तो सेक्शन 13 डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेंगे, दूसरा इसको अपॉइंट कौन कर सकता है, और तीसरा पावर्स क्या होती हैं। ये तीन चीज़ें आपको है ना याद रखनी है, बाकी आपको एक बार ओवरव्यू लेना है पूरे सेक्शन का। तो पूरा सेक्शन एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी ए पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय अ सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन, एनी थर्ड बताता है सी पॉइंट पार्ट सी हमें बताता है, इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो हो क्या गया इसमें, अपॉइंटिंग, तो अपॉइंटेड आ गया, तो अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अ पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज बाय ए सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि प्रोवाइड किया जाए किसके द्वारा, एक सोसाइटी है जो कि रिकॉग्नाइज है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी एक्सेप्शनल केस में कौन हो सकता है जो कि कोर्ट के ओपिनियन में एक फिट पर्सन है प्रोबेशन ऑफिसर बनने के लिए।
अब सेक्शन 13 का पार्ट 2 कहता है, सॉरी सब सेक्शन 2 कहता है, अ कोर्ट विच पासेज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड्स मे एट एनी टाइम अपॉइंट एनी प्रोबेशन ऑफिसर इन प्लेस ऑफ द पर्सन नेम्ड इन द सुपरविजन ऑर्डर। अब क्या है, सुपरविजन ऑर्डर में जिसका भी नाम मेंशन रहता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंडर रहता है एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, तो वो भी किसी को अपॉइंट करके प्रोबेशन ऑफिसर का दर्जा दे सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्रेसिडेंसी टाउन शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट एंड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शैल बी डीम्ड टू अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 3, अ प्रोबेशन ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट शैल बी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसके कंट्रोल के अंडर काम करते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल के अंडर वो काम करते हैं। सेक्शन 14 हमारा कहता है ड्यूटीज ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, अ प्रोबेशन ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू इंक्वायर इन अकॉर्डेंस विद एनी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इनटू द सर्कमस्टेंसेस और होम और सराउंडिंग्स ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू असिस्ट द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ डीलिंग विद हिम। इंक्वायर करने के लिए प्रोबेशन ऑफिसर की पावर ड्यूटीज क्या है, इंक्वायर करना कैसे, इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन जिस कोर्ट के द्वारा प्रोबेशन ऑफिसर जिसमें काम कर रहा है वो जो कोर्ट जिस हिसाब से डायरेक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। सुपरवाइज प्रोबेशनर्स, प्रोबेशनर्स को सुपरवाइज करना। एडवाइज एंड असिस्ट द ऑफेंडर्स, एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केसेस इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका क्या है, एडवाइस एंड असिस्ट कर सकते हैं प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी का, सुपरवाइज प्रोबेशनर से ड्यूटी, इनकी शॉर्ट में हमें याद रखना है प्री के लिए, और इंक्वायर ये कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद एनी अदर ड्यूटी जो कोर्ट देता है। अब सबसेक्शन 15 कहता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होंगे वो क्या होंगे, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, और पब्लिक सर्वेंट्स हैं सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर मेंशन्ड। सेक्शन 16 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और एनी प्रोबेशन ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन विच इज टेकन इन गुड फेथ एंड डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड और ऑर्डर मेड देयर अंडर। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ का मतलब बेसिकली ये है कि जब भी कोई प्रोबेशन ऑफिसर कोई ऐसा कार्य करता है जो कि गुड फेथ में किया गया है, उसके लिए उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, ना कि प्रोबेशन ऑफिसर को सिंपली जो भी एज अ प्रोबेशन ऑफिसर एक्ट कर रहा है या फिर कोई और ऑफिसर या फिर स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी कोई लाइबिलिटी नहीं है अगर वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं। अब इस एक्ट के रूल्स बनाने की पावर किसको है, ये क्वेश्चन भी प्री में आता है, कई बार आता है, हर एक्ट जो भी आपके माइनर लॉज आते हैं जिस भी स्टेट में उसमें ये रूल मेकिंग पावर हमेशा ना थोड़ा ध्यान रखिए। स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल मेकिंग पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, बाकी आप चाहें तो एक बार सेक्शन 17 खुद से रीड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखने वाली है। अब सेक्शन 18 कहता है सेविंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनएक्टमेंट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ इस। अब ये सेक्शन सिंपली बोलता है कि इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन इन सब प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ये जो प्रोविजंस है ये एज इट इज चलेंगे, इन पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 एंड सेक्शन 562 ऑफ द कोड शैल सीज टू अप्लाई टू द स्टेट्स और पार्ट देयर ऑफ इन विच द एक्ट इज ब्रॉट इनटू फोर्स। अब क्या है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो एक्ट है उसके अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 18 ऑफ द कोड ऑफ 1898 के अकॉर्डिंग सेक्शन 562 क्या है, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। अब सीआरपीसी 1973 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस कौन से हैं, सेक्शन 16 एंड 17, सेक्शन 360, जिसमें कि कोर्ट क्या करता है, ऑफेंडर को रिलीज कर सकता है किस पे, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे या फिर एडमोनिशन पे ऑफ सीआरपीसी का ये एक्ट है, ये सॉरी सेक्शन है। अब एक ऑफेंडर बेनिफिट दोनों एक्ट के अंडर तो नहीं दे सकता, तो जहाँ पे उन ऑफेंडर्स को इस एक्ट के अंडर रिलीफ मिलेगा वहाँ पे सेक्शन 360 अप्लाई नहीं करेगा, सब्जेक्ट टू
दीज प्रोविजन्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको इसको क्लियर करने की। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना के डाउट सेशन क्लियर कर दूंगी डाउट्स आपके। और प्री के पर्पज़ से इसमें यही सब चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, सेक्शन हो गया, प्रोबेशन ऑफिसर हो गया, और जो रिस्पेक्टिव सेक्शन में अलग अलग मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आई ये मुश्किल है, ऑल्दो होने को तो कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी, आई कैन नॉट टेक एनी गारंटी ऑफ दैट। बट हाँ, मेजर पोर्शन जो इस एक्ट में से क्वेश्चन आएंगे वो इससे कवर हो जाने चाहिए। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, और अपना एग्ज़ाम अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।